भी डांस कर रहे थे कि बीच में जो है बीरपुर पुलिस प्रशासन के थ्री एंड गो उस जाले ने चौक पर हटा मेरे कायला डांस कर ले फालतू में कले जा रख दिया चाकू की नोक पर लचक लचक कमर लचकाओ कमर बहुत अच्छा मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले हमारे टेंट के सामने हमारे कैंप के सामने काफी लोग का भीड़ यहाँ पे जमा हो चुका है हमारे इस कैंपिंग को देखने के खातिर क्यों अच्छा लग रहा है ना के हम सिगरेट नहीं होना चाहिए दोस्त सिगरेट नहीं धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है सो ये चीज नहीं दोस्त ठीक है ओके नाश्ते नाश्ते बिल्कुल थक चुका हूँ भाई साहब और कितनी टाइम लगेगी 10 मिनट में हम लोग खाएंगे भैया मॉर्निंग से भूखे मेरी ओर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर भूली बिस्तरी सॉन्ग को आज हम याद करेंगे सो पेस आप हमारे लखते जिगर वाले मुझे जाने खत्म हो गया तेल लेके आते हैं तेल खत्म हो चुका 100 ग्राम तेल लेके आना पड़ेगा और कच्चा मिर्चा तेल आ गया शाम का वक्त यहाँ हो चला है लगभग 5 बज चुका है और यहाँ हम लोग लाइट भी का जो भी था जो जुगाड़ हमने यहाँ पे सेट कर दिया है और अब रात हो चाहे शाम हो हम लोग अब इसको सफल करके ही जाएंगे घर ठीक है शाम का जो नाश्ता था वो एकदम गोश्त एकदम फ्रेश बना हुआ गोश्त बनाने वाला का मीट कैसा है बहुत ही बढ़िया मीट अच्छा बना हुआ है और मैं भाई साहब मैं आपको बता दूं कि मीट जो है ना मीट मिस्टर असमत भाई ने बना है तो भाई को तहे दिल से थैंक यू सो मच मीट बहुत ही अच्छा बना है मजा
मगरिब का है वक्त, तो अभी हम लोग जो है गाना आना अभी हम लोगों ने बंद बंद करवा दिया है। तो भैया लोग भी हमारे इस कैंप में शामिल है। और भाई साहब मैं आपको वहां लेके जाता हूं जहां से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, सो प्लीज आप हमारे साथ आइए। तो हे गाइस आप देख सकते हैं ये शाम का है वक्त और एकदम से लोग यहां पे। मैं आपको ऐसा करता हूं, मैं बाइक पर बैठ के फिर मैं ये व्यू को जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आज का जो दिन है ये 1 जनवरी का है दिन, और आप देख सकते हैं किस टाइप से यहाँ के लोग एकदम एक नए जोश के साथ एक नए उमंग के साथ जो है यहाँ पे आए हुए हैं। सो वेल अभी मैं आपको इन सब से तारुफ यहाँ पे करवाता हूँ और इन सबों के बीच से आपको लेके निकलता हूँ। सो वेल ये हमारी 4 लाख की बाइक जो है, ये हमारी बाइक नहीं है, ये हमारी दोस्त की बाइक। तो अभी हम आप लोग को अभी जो व्यू है यहाँ का वो मैं आप सबको दिखाऊँगा। सो हम लोग पहले लास्ट फिर चलते हैं वहाँ। सारे लोग को आप यहाँ देख सकते हैं, नाकरा के हर घरों से लोग यहाँ उठ के निकल के बाहर आ रहे हैं इस माहौल को एकदम रंगीन बनाने के खातिर। लोग यहाँ पे एकदम मौजूद हैं, देख सकते हैं आप। लगभग हम लोग 700 मीटर पार कर चुके हैं, यहाँ से 200 मीटर और हमें जाना है। ये 1 किलोमीटर का है ये रनवे, हम लोग 700 मीटर जो है पास करते हैं। और यहाँ भाई साहब की इतनी भीड़, मैं एक बार चाहूँगा कि एक बार वहाँ जाए वहाँ उस माहौल को हम लोग कैप्चर करेंगे। छोटे छोटे बच्चे लोग यहाँ पे एकदम फुल जोश में है आज 1 तारीख के उपलक्ष्य में। जब मैं आई सुहाग देख सकते हैं आप, एकदम माहौल सेट है एकदम। क्या माहौल है भाई साहब, जो लोग अपने गांव और अपने देश से बाहर है वो जरूर इस वीडियो को मिस कर रहे होंगे। अगर ये बात सही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कहां से देख रहे हैं एक बार जरूर कमेंट करें अपने प्लेस का। हम लोग जाएंगे वापस अपने कैंट में, सॉरी टेंट में जहाँ क्या। और अगर भाई साहब अगर आप लोग इस देश से बाहर हैं, आप मतलब कोई काम से आप अपने घर से बाहर हैं या फिर अपने दोस्त से बाहर हैं, तो अगर ये वीडियो अगर आपको जरा से भी अपने दोस्त की और या अगर गांव की याद दिलाई हो, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल। और भाई साहब कहाँ से हैं आप जरूर कमेंट करें। देख सकते हैं भाई लोग एकदम दूर से। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।
सब पापड़ गिरा था। सोवेल का जब देख सकते हैं यहाँ पे हम जो है लंच जो है सॉरी जो डिनर जो है वो हमने सर्व कर दिया है। अब बस यहाँ पे चावल की है प्लेट, आप वहाँ पे चावल की है वहाँ पे हम लोग चावल निकालेंगे और ये हमारा चिकन लेग पीस है और ये पापड़ है और यहाँ गरम गरम पापड़ निकाल ली। दिखा 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 और ये देख सकते हैं आप पापड़। शाम का वक्त यहाँ हो चला है और आप देख सकते हैं अभी हम लोग यहाँ लंच करेंगे। फाइनली गाइस शाम के बज चुके हैं 6 और हम लोग यहाँ बैठ चुके हैं और खाना यहाँ पे सर्व जो है किया जा रहा है। तो अब हम लोग लगभग 1.5 घंटा बाद यहाँ मेरे को यहाँ पे लगता है कि एकदम रात वो ही जाएगी। तो अभी भी जो आप देख सकते हैं एकदम भीड़, एकदम खचाखच भीड़ है, एकदम यहाँ से वहाँ तक 1 किलोमीटर का है रनवे है और एकदम भीड़, एकदम खचाखच है। लोग सब एकदम अपने घरों से अपने काम से निकल के आज का ये जो डेट है ये एकदम फुल सेलिब्रेशन का माहौल आप देख सकते हैं। और ये हमारे दोस्त वेलकम है, हैप्पी न्यू ईयर। अरे आज आम दिन थोड़ी है, आज के बाद तो फिर से आप लोग टाइम पर ही खाना खाएंगे। सो प्लीज अभी थोड़ा वेट करिए। सो गुड यू फॉर यू, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? सो लुकिंग फॉर यू इज द वेरी इट फॉर यू माय ऑल फ्रेंड्स, इज वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तो ये उधर सबको दो एक्स्ट्रा में जो लोग भी है ना उसको जो है साइड वाला उनको देना, ठीक ना। ये हुआ यहाँ ये कि हम लोग का जो एस्टिमेट था मतलब जो लोग मतलब हम लोगों ने जो पैसा जो इकट्ठा करा था वो सिर्फ 9 लोग थे और यहाँ देख सकते हैं आप 1200 है लोग यहाँ पे। तो यहाँ का जो एस्टिमेट था वो हम लोग का फेल होता देख सकते हैं। 2 लोग जो बाकी थे वो लोग आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली खाना अब स्टार्ट करेंगे। अब रात के 10 बज चुके हैं और अब देख सकते हैं पार्टी अभी भी है ऑन। Everybody come on, move right now! देख सकते हैं आप यहाँ पे सारे हम जो भी हमारे दोस्त लोग थे वो सब गुजरात रात के 10 बज चुके हैं और सारा सामान को समेट के वापस हम लोग गाड़ी में रख के फिर हम लोग को यहाँ से निकलना है। रात के बज चुके हैं 11:30 और ये कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर। सोवेल आज का ही लोग हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे और हम लोगों ने बहुत डांस किया, जम करके डांस करा। सोवेल अगर आप लोगों को आज की ये व्लॉग आपको अच्छी लगी होगी, एक गाना बजा, एक गाना तुम डांस करोगे बढ़िया से। अभी और डांस करना है? थक गए आप। एक गाना बस बंद कर देगा। सोवेल अब यहाँ से हम लोग जाएंगे। लास्ट सॉन्ग बोलो, लास्ट सॉन्ग है, एक सॉन्ग और है। सो बस एक गाना है मोनू, बस एक सॉन्ग है। और फाइनली गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम लोग अभी डांस कर ही रहे थे कि बीच में जो है बीरपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है हम लोगों को बंद करवा दिया गया। जो कि आप लाइट आपको हमारे फ़ोन में आपको लाइट वहाँ भीग रही होगी। तो उन लोगों ने अभी हम लोग मना करके गए कि अभी ये बंद करो, रात काफ़ी हो चुकी है। सो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं घर और घर जाके मैं ये ब्लॉग को एंड करूँगा, ठीक। सो मिलते हैं घर पर, बाय। फाइनली आज मैं घर आ चुका हूँ। पहले तो आप सबों का थैंक यू सो मच तहे दिल से जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के ये हमारे इस व्लॉग को देखा। थैंक यू सो मच तहे दिल से। आप अगर अपने गांव से बाहर हो और ये व्लॉग आपको ज़रा से भी अपने गांव की याद दिलाई है तो भाई साहब जहाँ हो आप वहाँ उस शहर उस गाँव का नाम कमेंट जरूर करें और एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और भाई साहब मैं बता दूं कि 283 रुपये का था खर्च आज का। कुल खर्च 1600 या 1700 रुपये के आसपास का था जिसमें हम लोग 6 लोग थे तो 6 लोगों पे ये बांट दिया गया। तो 283 रुपये के आसपास का सब कोई मतलब लेना पड़ेगा। तो वेल देखा आपने कि 200-300 रुपये से जो हम लोगों ने जो आज का दिन जो मतलब सेलिब्रेट किया जिया
तो ये चीज लाइफ में कभी भी नहीं आने वाली है। 200-300 रुपए की लोगों ने जो दोस्तों के साथ जो टाइम बिताया और ये 1 तारीख को जो हम लोगों ने जो लाइफ का एक पार्ट बना दिया तो ये कभी भी नहीं ये इसको भूला जा सकता है। सो वेल, आप अगर अपने गांव से अपने शहर से बाहर है, कहीं कोई मजबूरी के तहत या कोई काम के तहत या अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अगर आप अपने गांव से बाहर हैं और अगर ये लोग आप लोगों को जरा से भी आपको अपने गांव से जोड़ी है आपके दिल को, तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करें, एक छोटा सा कमेंट जरूर करें हमें ताकि आप कहाँ हैं और कहाँ से हमें देख रहे हैं। तो वेल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और ऐसे ही आप हमें प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के ये व्लॉग देखा और बस यूं ही आप हमें प्यार करते रहे। मैं राजा सिद्दीकी फ्रॉम बीरपुर बिहार। सो वेल, लव यू ऑल, सब्बा खैर और मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो वेल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय जय भारत, वंदे मातरम। Every time we say goodbye.